मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। ये थर्ड पार्ट होगा मेरा जो है 2010 के जो है सॉल्व पेपर का। तो चलिए शुरू से अंत तक देखते रहिए। 66 क्वेश्चन है। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा रक्त जो है तत्व सहायक होता है? तो इसमें होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, और विटामिन के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि ये इसके बिना आप रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये नहीं होगा तो थक्का नहीं बनेगा। तो विटामिन के भी हमारे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, थक्का जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो माइकल जो है फ्लेप्स जो है आपके स्विमिंग से ये खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 8 मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? तो वृद्धि को व्यक्त कौन करता है? इसमें अतिरिक्त शारीरिक क्रिया में परिवर्तन, लंबाई, वजन, मनोविज्ञान, क्षमता में परिवर्तन। तो ये होगा आपका मनोवैज्ञानिक क्षमता में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से संबंधित है। फुटबॉल में नहीं लगाएंगे क्योंकि फुटबॉल में ओवरहेड जो है थ्रो होता है, ओवरहेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैंडबॉल का सबसे अनोखा नियम यह है कि इसमें गोली को जो गोल की होना चाहिए, गोली को वैक पास देने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब कभी कोई खिलाड़ी अपने कोर्ट में जानबूझकर गोली को गेंद बढ़ाता है, तब भी प्रतिपक्षी जो को 7 मीटर से पेनाल्टी थ्रो पर गोल करने का अवसर मिलता है, ठीक है। हैंड बॉल को लंबाई चौड़ाई और इजी उतना ज्यादा कठिन नहीं है, इसको पढ़ने में कठिन जितना लगा, इजी खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो है फेसियल हड्डियों की संख्या होती है? तो ये होती है आपका 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा से मैं कई बार बता चुका हूँ इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा आपका? दूसरा कथन सत्य है, इसमें पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है? तो इसमें है आपका आग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व है? तो इसमें दूसरा है आपका गुणवत्ता, बजट के अनुसार एवं आदेश न्यायोचित हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं। खेल उपकरण क्रय करते समय गुणवत्ता बजट के अनुसार, वही सेम टू सेम लिख दिया है। बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है? तो एक और एक का नियम जब होता है टीम के फाउल के पश्चात सभी फाउल पर, ठीक है, और अधिकतम इसमें कितना फाउल हो सकता है, इसको थ्योरी पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। तो उसमें फाउल फिर एक ये रूल्स लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? तो कोहलर का सभी जानते हैं बंदर एवं चिंपैंजी का जो है किया है, मुख्य इसमें चिंपैंजी था और बंदर बाकी अन्य उसके आसपास दो चार उसको भी रख दिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, सफलता प्राप्त चिंपैंजी की ये नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने 1959 के कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? तो किस लिए किया था? शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए किया था। निम्नलिखित में कौन जो है टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आता? तो यूएस ओपन होता है, ठीक है, विंबलडन टेनिस होता है आपका, फ्रेंच ओपन होता है, जो है स्वीडिश ओपन जो है नहीं होता। तो और एक होता है, चार तो कौन कौन से होते हैं आपका, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन रहता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है इसके बारे में पूरा,
चार प्रतियोगिताएं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमरीकी ओपन को ही विंबलडन कहते हैं, संयुक्त रूप से टेनिस ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो है 1927 डॉक्टर दोराबजी टाटा, ये आपके प्रथम, और उसके बाद जस्ट सॉरी 1932 या 33 में इनका निधन हुआ था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक बराबर जो है 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? 29 यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका, जो इसका आंसर है ये तो नहीं है, पहले 31 अंक प्राप्त करने, 31 नहीं क्योंकि इसमें दो अंतर नहीं, 30 अंक अधिकतम होते हैं, तीसरा आंसर इसका अर्थात जो है प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाले या वाला विजयी होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, नीचे यहाँ पर है इसका जो है देख लीजिए थोड़ा सा धुंधला है, प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य कौन सा होगा आपका, इसका चौथा आंसर है, औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी तो उस समय उसको जाना भी वर्जित था, केवल एक भय किसकी देवी बोलते हैं उसका पूजा करने वाली जो पंडिताइन थी वही जा सकती थी, क्या नाम था उसका, और ये हेरा नाइक वगैरह कुछ ऐसा नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। जिमनास्टिक के लिए जो है पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई होती है, तो इसमें जो है 200 मीटर दिया हुआ है इसका यहाँ पर ऊंचाई, तो इसमें जो है आंसर गलत हो जाएगा, इसमें से गलत दिया है इसका। चलिए नेक्स्ट है, हिचकिक विधि किस इवेंट का तकनीक है? तो हिचकिक होता है आपका लंबी कूद का होता है, इसमें ऊंची कूद दे दिया है, ऊंची कूद में हिचकिक कहाँ करते हैं, लंबी कूद में करते हैं, तो ये एक आंसर होगा यहाँ पर, जो है 2010 के जो भी परीक्षा लिए थे वो गलत है आंसर जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंसेंट्रिक। ठीक है, तो देख लीजिएगा कंसेंट्रिक के मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कंसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो ये आपका है हीमोग्लोबिन जो है करता है, और इसका देख लेते हैं एक बार और, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य हीमोग्लोबिन। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, इसका चौथा आंसर है, किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वॉलीबॉल मैच में एक से चार सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट ले सकते हैं, समय तक ले के लिए लिए ले सकती है, तो ये दो है, दो सॉरी दो टाइम आउट प्रति मिनट 30 सेकंड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोथेरेपी क्या है? तो ये है आपका बर्फ द्वारा उपचार। ठीक है, क्रायो मतलब आया मतलब बर्फ समझ जाइए। नेक्स्ट है, कबड्डी मैच में हाइड्रो मतलब जल चिकित्सा होगा, ऐसी थोड़ा कंफ्यूजन इसमें दो चीज में होता है ना, क्रायो मतलब बर्फ से होगा और हाइड्रो मतलब पानी से होगा, तो यानी कि जल चिकित्सा से होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान से सोच के बनाइए इस टाइप से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रामक के विपक्षी पाले में जो है कितने खिलाड़ी होना आवश्यक है? तो ये होगा आपका 6। ठीक है, और इसमें दिया है
पांच दे दिया है इसमें, तो ये गलत है क्योंकि पांच में आपको बोनस अंक नहीं दिया जाता। ठीक है, ये देख लीजिए उत्तर में एक दिया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, देखते हैं, ट्राइसेप्स ब्रॉची और लॉटिसमस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? तो ये है आपका फर्स्ट सीटअप। ठीक है, खिलाड़ी में कार्डियोस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है, तो तैराक जो होते हैं उसमें होता है ये। ठीक है, बजट क्या है? तो बजट इसमें है, दूसरा आंसर दिया है, आय व्यय का संपूर्ण विवरण या ब्यौरा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं काटा था कुछ, इसके थ्योरी पढ़ा था मैं, तो आय व्यय का संपूर्ण विवरण तो होगा, इसके साथ साथ में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका जो आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसका जो भी बजट बना के रखना कि क्या क्या खर्च हो सकता है, क्या होगा, और पिछले वर्ष का जो होने वाला जो खर्च है उसका विवरण, है ना, सभी का अनुमानित आपका जो है बजट तैयार किया जाता है। आय और व्यय का ही संपूर्ण विवरण बस लिखा है, इसीलिए मैं इसको काटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो इसमें जो है दूसरा को दे दिया 40 डिग्री, यानी पहले होता था ये, और ये चेंज होकर के अभी कितना हो गया है आपका, ये हो गया है 34.92, और ये फिक्स्ड है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसमें दूसरा दिया है, बच्चों की लंबाई एवं वजन। ठीक है, ठीक, तो ये ऑप्शन के अनुसार यही होगा, बच्चों की लंबाई एवं वजन, तो ये दूसरा आंसर हो गया सही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ तुरंत, तो एक दिन में 2 से 3 वीडियो डालूंगा आप लोग के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू नेक्स्ट अपडेट, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।